कौन था डिक्सन, जीन और टोनी की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार? कौन से पैंतरे अपनाए तीनों ने अपने सर्वाइवल के लिए? क्या ये तीनों आइलैंड तक पहुंच पाएंगे? वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी पर आधारित 2014 की एक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगी जिसका शीर्षक अगेंस्ट द सन है। 1942 में साउथ पैसिफिक के ऊपर टॉर्पीडो बॉम्बर्स और लड़ाकू विमान भेजकर पर्ल हार्बर पर जो हुआ उसका बदला लेने के लिए यूएसए की नौसेना जापान पर हमला करने के लिए तैयार है। 16 जनवरी को पायलट और प्रमुख हेरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पास्टेला और रेडियोमैन जीन एलरिच एक पेट्रोल मिशन पर हैं, जब वे खुद को दूसरे विमान से अलग पाते हैं और अपने बियरिंग प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। डिक्सन सोचता है कि उन्हें अपने कैरियर में वापस जाना चाहिए, लेकिन जीन को पता चलता है कि वे रिसेप्शन से बाहर हैं और उनके पास फ्यूल भी ना के बराबर है। टोनी ऊंचाई हासिल करने के लिए समुद्र में बम गिराता है, लेकिन यह बहुत मददगार नहीं होता और चूंकि वे अभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, डिक्सन ने फैसला किया कि वो फ्यूल के खत्म होने या किसी भी तरह की दुर्घटना होने से पहले एक इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। विमान पानी पर सुरक्षित रूप से उतरता है और डिक्सन अपनी लाइफ जैकेट के साथ बाहर आता है लाइफ राफ्ट को अपने पीछे खींचते हुए, लेकिन उसके साथियों की कंडीशन ठीक नहीं लग रही होती। उन्हें अपनी सीटों को खोलने में परेशानी होती है और यहाँ तक वो लगभग डूब भी रहे होते हैं। केवल लास्ट सेकंड में बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो विमान के डूबने से सप्लाईज नहीं हथिया सकते हैं। डिक्सन और जीन अपने हथियार भी गिरा देते हैं, इसलिए उनके लिए तैरना आसान हो जाता है, लेकिन टोनी फंस जाता है। कुछ संघर्ष के बाद वे राफ्ट को फुलाते हैं, हालांकि यह उल्टा हो जाता है। अपने लाइफ जैकेट को एक साथ बांधकर और उन्हें राफ्ट पर फेंककर वे एक हैंडल बनाते हैं जो उन्हें राफ्ट को खींचने और मोड़ने की अनुमति देता है ताकि वे उस पर चढ़ सकें। अब उन्हें बस किसी के द्वारा उनको ढूंढे जाने का इंतजार करना है। अगली सुबह डिक्सन और जीन ने जो कुछ हुआ उस पर कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। हर कोई एक दूसरे को अपनी इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगता है। यह देखते हुए कि इस तरह की बातचीत उन्हें कहीं नहीं ले जा रही है, वे विमान के आने की स्थिति में निगरानी रखने और सतर्क रहने का फैसला करते हैं। पता चलता है कि वे भाग्य में हैं और एक विमान कुछ घंटों बाद पास में उड़ता है, लेकिन यह उन्हें देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब भी जब वे अपनी शर्ट उतार देते हैं और चिल्लाते हुए उन्हें चारों ओर लहराते हैं, विमान जल्द ही निकल जाता है और डिक्सन बताता है कि यह उनका एकमात्र मौका था। विमान एक बॉक्स खोज पर था और एक ऐसे कोस को नहीं तोड़ेगा जो उन्हें दुश्मन के इलाके में जोखिम में डाल सकता है। युद्ध 3 सैनिकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोसीजर कहता है कि उन पर बस नजर पड़ती है। अपने जीवित रहने के बारे में सोचते हुए डिक्सन ने राफ्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक जहाज और खुद को इसका कप्तान घोषित किया, इसलिए टोनी और जीन उसके आदेशों का पालन करेंगे। वे अपनी जेब में रखी चीजों की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन यह कुछ खास चीजें नहीं होती, ज्यादातर औजारों का एक गुच्छा और तार जैसी रैंडम चीजें, साथ ही एक खाली पानी की थैली। जीन के पास एक चाकू भी है जिसे डिक्सन ने अपनी जेब में रखने का आदेश दिया ताकि राफ्ट काटने के जोखिम से बचा जा सके। राफ्ट की रक्षा करने और उस पर वजन बनाने से बचने के लिए डिक्सन सबको अपने जूते उतारने और समुद्र में फेंकने का आदेश देता है, लेकिन वो अपने जूते नहीं फेंकता, जो जीन को गलत लगता है। घंटे और दिन बीतने लगते हैं क्योंकि सैनिक पूरी कोशिश करते हैं कि आइसोलेशन उन्हें पागल न होने दे। वे विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं, कभी कभी खुद का मनोरंजन करने के लिए गाते भी हैं। टोनी जुनूनी रूप से अपनी बंदूक साफ करता है, लेकिन जीन से यह भी वादा करता है कि वो उसे अपनी बहन से मिलवाएगा क्योंकि वे एक अद्भुत जोड़ी बनाएंगे। दिन के समय धूप तेज होती है, इसलिए वे धीरे धीरे कपड़ों की प्रत्येक परत उतारते रहते हैं जिससे उनकी त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। रातें ठंडी होती हैं और जब वे सोते हैं तो वे डूबने से जुड़े बुरे सपने या संभावित गलती की गिल्टी फीलिंग से डरने लगते हैं जिस चीज ने उन्हें इस सिचुएशन में डाला है। हालांकि वे तीनों एक ही समय पर नहीं सोते हैं, एक हमेशा जागता रहता है और वे बारी बारी से देखते हैं कि उन्हें कोई विमान या आइलैंड मिल जाए। इस दौर ऐसा भी समय आया जब डिक्सन ने अपने जूते में खुद को राहत देने और कम से कम अपनी प्यास को कम करने की कोशिश के लिए अपना पेशाब पीने का फैसला किया। एक सुबह जब उन्हें नाव के साथ चलने वाली एक अच्छी हवा लगती है तो डिक्सन कुछ गणना करता है कि वे कहां जा रहे हैं। इसका एक अनक्लियर आइडिया है, एक मौका है कि वे कुछ आइलैंड्स तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा होने में कुछ हफ्ते लगेंगे, इसलिए जीन ने फैसला किया कि वो भूखे मरने से बचने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करना चाहता है। किसी तार और डोरी से वे एक कांटा बनाते हैं जिसे वे समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके कांटे में फंसता है वो मजबूत होता है। टोनी जीन की डोरी वापस खींचने में मदद करता है और जब वो डोरी खींचते हुए एंड तक पहुंचते हैं तो हुक गायब होता है, जो इस बात का इशारा करता है कि समुद्र में कुछ खतरनाक जीव भी रहते हैं। लेकिन जीन ने हार नहीं मानी, वो एक नया हुक बनाता है और उसे फिर से फेंक देता है, जब तक आवश्यक हो उसे पानी में छोड़ देता है। आखिरकार गर्मी उसके सर पर चढ़ जाती है, इसलिए वो लाइफ जैकेट पहन लेता है और तरोताजा होने के लिए नाव से कूद जाता है। टोनी उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन डिक्सन का कहना है कि सुरक्षा के लिए उन्हें इसे एक एक करके करना चाहिए।
वो उन्हें यह भी याद दिलाता है कि इस पानी में शार्क हैं, जो जीन को राफ्ट से नीचे उतरकर तैरने के लिए डराती हैं और टोनी को कूदने से। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, पुरुषों में तनाव बढ़ता जा रहा है और डिक्सन का पागलपन उसे अपने साथियों से पूछने पर फोर्स करता है कि विमान में क्या हुआ था, जैसे कि वो किसी को उनकी स्थिति के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा हो। प्यास भी एक समस्या होने लगी है और टोनी सोचता है कि उसके पास शायद कम से कम समुद्री जल का एक घूंट हो सकता है, लेकिन डिक्सन कुछ बेवकूफी करने से पहले उसे रोक देता है। जीन ने टिप्पणी की कि पीले सामान से वे कितने और जूते भर सकते हैं। तभी उसे डिक्सन बीच में रोककर विजयी होने की बात कहकर रोने लगता है। उसे अपनी जेब में एक पेंसिल मिलती है जिसे उसने पहले अनदेखा किया था। अब वो एक चार्ट बना सकता है और उस दिशा पर नजर रख सकता है जिस दिशा में वे जा रहे हैं। यदि वे आइलैंड तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें हवा को अपने पक्ष में रखने की आवश्यकता है। लाइफ जैकेट में से एक, कुछ कॉर्ड और कुछ तार का उपयोग करके वे एक समुद्री एंकर बनाते हैं। इस तरह वे हवा के हिलने पर गलत तरीके से उड़ने से बच सकते हैं। दूसरी समस्या उनकी प्यास बनी हुई है। जीन अन्य दो को सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करें और भगवान से बारिश के लिए पूछें, और उसी रात मौसम बदलता है। खुशी में हंसते हुए पुरुष अपनी कमीज और पानी की थैली पर जितना हो सके बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। एक सप्ताह के बहाव के बाद जीन अपने हुक से कुछ भी पकड़ने में असफल होने से थक जाता है, इसलिए वो डिक्सन के विरोधों को नजरअंदाज करते हुए और राफ्ट पर चिंता करते हुए अपना चाकू निकाल लेता है। पानी पर कुछ रैंडम छुरा घोंपने के बाद जीन बड़े पैमाने पर सफल होता है। वो एक शार्क को मारने में कामयाब होता है जिसे वे राफ्ट पर लाते हैं और उसका पेट खोलते हैं, जिसमें से एक छोटी मछली निकलती है जिसे उसने खाया था। वे शार्क के मांस को बाद में चारा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने मोजे में बचाते हैं। हालांकि उनके इस छोटे से खाने के कुछ गंभीर परिणाम हैं, क्योंकि वे शार्क के खून को समुद्र में फेंकते रहते हैं ताकि राफ्ट साफ रहे। अन्य शार्क इसे सूंघ लेती है और उनका पीछा करती है। इसलिए जब एक रात जीन नींद में होता है तो उसका हाथ पानी में चला जाता है, जो शार्क द्वारा काट लिया जाता है। सौभाग्य से वो इसे खोने से पहले इसे निकाल लेता है और डिक्सन इसे टोनी के बैंडाना के साथ लपेटता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। दुर्घटना के 2 सप्ताह बीत चुके हैं और जबकि उन्हें शार्क की तरह एक और पकड़ नहीं मिली है, उन्हें अपने पानी के थैले को फिर से भरने के लिए बारिश का एक और दिन मिलता है। आशा को बनाए रखना कठिन होने लगा है और टोनी कुछ निराशाजनक विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी बंदूक को देखना शुरू कर देता है। जीन उससे ठीक उसी समय बंदूक लेता है जब एक पक्षी उनकी राफ्ट पर उतरता है और उसे गोली मार देता है, जिससे मरे हुए उस पक्षी की बॉडी समुद्र में गिर जाती है। डिक्सन इसे ठीक करने के लिए कूदने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, लेकिन पक्षी के खून ने शार्क का भी ध्यान आकर्षित किया है। लड़के शार्क को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है, इसलिए डिक्सन के पास जितनी जल्दी हो सके तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सौभाग्य से वो राफ्ट पर वापस पहुंचने में कामयाब रहता है और अब उनके पास खाने के लिए पक्षी का मांस है, जो डिक्सन को चिकन की तरह लगता है। चूंकि अब बंदूक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, टोनी समुद्र में गोलियां फेंक देता है। वो इस बात से दुखी है कि क्या इसे हार का संकेत माना जा सकता है। 20वें दिन की सुबह डिक्सन को पता चलता है कि वे तीनों सो रहे थे, इसलिए कोई वॉच पर नहीं था। जीन सोचता है कि यह परेशानी के लायक नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, कोई हवा नहीं है और आइलैंड भी दूर दूर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो नक्शे के रिगार्डिंग डिक्सन से पूछताछ करता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि वो उनकी सिचुएशन की कैलकुलेशन कैसे कर सकता था, यदि उनका विमान खो गया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। वो यह भी सोचता है कि यह डिक्सन की गलती है कि विमान खो गया, क्योंकि किसी तरह उसने ही उन्हें सीमा से बाहर उड़ा दिया था। बहुत बहस और चिल्लाने के बाद डिक्सन ने स्वीकार किया कि वो कुछ दिनों पहले आइलैंड्स को देखने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए हाँ, उनका कोर्स बंद है। उसकी याददाश्त आखिरकार तेज हो जाती है और उसे याद आता है कि विमान में क्या हुआ था। वो सो गया था। केवल कुछ ही मिनट थे, लेकिन फिर भी उनके लिए अपनी बारी से चूकने के लिए पर्याप्त था। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, यह जानते हुए कि वो कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। एक निराशाजनक मूड राफ्ट पर पड़ता है, इसलिए चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए जीन चार्ट उठाता है और कहता है कि हालांकि यह सही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह घर लौटने की उनकी एकमात्र आशा है। जब टोनी अपनी खुद की हवा बनाने के बारे में मजाक बनाता है तो डिक्सन को एक विचार मिलता है। जीन के चाकू का उपयोग करके वो अपने जूते के सोल को काट देता है, जिससे वो राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। घटना के 1 महीने बाद आखिरकार उन्हें फिर से बारिश नसीब होती है, सिवाय इसके कि यह एवरेज बारिश नहीं है, यह एक फुल फ्यूरियस तूफान है जिसमें बिजली शामिल है। लहरें ऊंची और आक्रामक हो जाती हैं और वे अंत में राफ्ट पलट देती हैं। पुरुष पानी में गिर जाते हैं और वो अपने रोइंग शूज सहित कुछ उपकरण खो देते हैं, लेकिन राफ्ट ज्यादा जरूरी है। वे एक दूसरे को पकड़कर हवा की मदद से राफ्ट पर चढ़ने से पहले उसको वापस पोजीशन में फ्लिप करते हैं, जब तक कि तूफान पास नहीं हो जाता और गर्माहट के लिए वो सब पास पास चिपक जाते हैं।
सुबह बारिश बंद हो जाती है, लेकिन पुरुष इतने थके हुए होते हैं कि लेटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सभी आशा खो देने के बाद उनकी बातचीत निराशाजनक हो जाती है। वे चर्चा करते हैं कि शरीर के साथ क्या करना है यदि उनमें से एक मर जाता है, क्योंकि यह भोजन हो सकता है। घर पर उन लोगों को याद रखें जो उन्हें मृत मानते हैं, और जब टोनी और जीन कहते हैं कि वो डिक्सन का उसकी गलती के लिए कोर्ट मार्शल नहीं कराएंगे, तो डिक्सन यह सुनकर इमोशनल हो जाता है। इस उदास मनोदशा से थक कर वो यह सोचते हैं कि वो हार मानने की सिचुएशन को पार कर चुके हैं। टोनी अपने दोस्तों को कम से कम कोशिश करते हुए अपने हाथों से राफ्ट को रो करने के लिए मना लेता है। यह उन्हें इतना थका देता है कि डिक्सन वही करता है जो उसने कहा था कि वे नहीं करेंगे, जो था समुद्री पानी पीना, और टोनी इतनी गहराई से सो जाता है कि एक पल के लिए वे उसे मरा हुआ मान लेते हैं। अचानक जब वो दूर से कुछ हरा देखता है तो जीन बैठ जाता है। उन्हें आखिरकार एक आइलैंड मिल जाता है। अब उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि उस आइलैंड पर दुश्मन भी हो सकते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पुरुष अपने हाथों से तब तक राफ्ट को रो करते हैं जब तक कि वे किनारे की लहरों तक नहीं पहुंच जाते, जो उन्हें समुद्र तट पर रास्ते के आखिरी हिस्से में धकेल देती हैं। वे तीनों सुरक्षित रूप से रेत पर उतरते हैं, और जैसे ही वे दो झोपड़ियों को पास में देखते हैं, वे वहां कांपते पैरों पर अपना रास्ता बनाते हैं। यह लैंडिंग 20 फरवरी को होती है, 34 दिन समुद्र में खो जाने और 1000 मील से अधिक अपनी राफ्ट नौक यात्रा के बाद। उनके बच जाने के बाद डिक्सन को अपने क्रू की सुरक्षा में नेतृत्व करने के लिए नेवी क्रॉस से सम्मानित किया जाता है, लेकिन फिर कभी वो एक और लड़ाकू मिशन में उड़ान नहीं भरता है। अपनी चोटों के कारण टोनी नौसेना को करियर के रूप में आगे नहीं बढ़ा पाता है, और जब 1986 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी राख समुद्र में बिखेर दी जाती है। जीन एक रेडियोमैन के रूप में युद्ध की सेवा करता है, और 1946 में वो टोनी की बहन से शादी करता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।